आईटीआई मंडी में 7 मई से लेकर 10 मई तक राज्य स्तरीय आईटीआई महिला खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 420 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आईटीआई मंडी में 7 मई से 10 मई तक राज्य स्तरीय आईटीआई महिला खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 420 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आईटीआई मंडी के प्राचार्य वीरेंद्र डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में अभी तक बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले खेले गए, जिसमें मंडी जिला के खिलाड़ियों ने सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में 11 जिलों के 420 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जी सर, हमारी आईटीआई मंडी में 7 से लेके 10 मई में दौरा करता हूँ। आईटीआई मंडी में 7 मई से लेके 10 मई तक राज्य स्तरीय आईटीआई की खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है। इसमें मुख्यतः बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैचेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और आज 9 तारीख से वुशु की प्रतियोगिता जो है वो स्टेट लेवल की यहाँ शुरू हुई है और इसमें पूरे स्टेट टूर्नामेंट में 11 डिस्ट्रिक्ट से 399 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और साथ में जो है रात के समय सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी संपन्न करवाई जा रही है। इसमें ग्रुप सॉन्ग और मोनो एक्टिंग और सोलो सॉन्ग की प्रतियोगिता हो चुकी है और आज रात को जो है फोक डांस की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। मेरा खिलाड़ियों से यही संदेश है कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें, हार जीत चली रहती है, सबसे महत्वपूर्ण है पार्टिसिपेशन। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें टीम स्पिरिट की और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। तो मेरा खिलाड़ियों से यही संदेश है कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें और मैं